नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीव की होम्योपैथी की रायपुर छत्तीसगढ़ से बहुत ही धमाकेदार वीडियो है आज का और आपको सुझाएंगे। जैसे आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद वीडियो क्वालिटी या मुझे देखकर या साउंड क्वालिटी देखकर नहीं, वीडियो का कंटेंट जो है वो बहुत शानदार है। देखना ध्यान से, पूरा देखना, अंत तक देखना, बहुत मजा आएगा और ये बहुत काम का वीडियो है। कैसे स्किन में निखार कैसे लाएं, है ना बढ़िया टॉपिक, ध्यान देना। ये वीडियो मैंने स्पेशली सोचकर बनाया है, बहुत बढ़िया है और बहुत इफेक्टिव है। स्किन में निखार कैसे लाएं, इसकी दवाइयां यदि आपको पता चल जाए और जादू होने लगे तो कितना बढ़िया है, मजा आएगा आपको। चलिए दवाइयां नोट कीजिए। स्किन में निखार होने के नहीं होता है तो क्या कारण है, पहले ये समझें। स्किन में यदि आपको निखार नहीं मिल रहा है, स्किन प्रॉपर उसमें पिगमेंटेशन आ रहे हैं, डिस्कलरेशन आ रहा है, स्किन साफ नहीं दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रही, मेरी स्किन क्लियर है, उतनी क्लियर तो है जो कैमरे में अच्छी दिखती है और आप लोग तारीफ भी बहुत करते हैं, वीडियो अच्छा दिख रहा है करके। खैर, स्किन में निखार कैसे ना आए उसके लिए आप क्या करें, बेसिक बेसिक बातें समझ लीजिए। यदि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने में नहीं मिल रहा है, खाना खाने में आपका जो पोषक आहार है वो ठीक नहीं है, तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा, वो गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, हरी सब्जियां सलाद फल लेते रहें अपने खाने में और गुड़ और दूध लेते रहें। तीसरी बात, यदि आपका सोने का टाइमिंग ठीक नहीं है तो उसको सुधार लें। और चौथी बात, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक है कि नहीं, स्पेशली महिलाओं में हार्मोनल इम्बेलेंस होने की वजह तकलीफ होती है। यदि पुरुषों में तकलीफ हो रही है तो फिर पुरुषों में खाने की जो आदतें हैं उस पर बिल्कुल विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम डायरेक्टली शॉर्टकट दवाइयों पर आ रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट वाले वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत लेंदी या टाइम स्पेंड करने वाले वीडियो नहीं बना जाता। ज्यादातर लोग बहुत लंबे 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के वीडियो बताते हैं और आखिरी में जाकर एक पुड़िया खोलते हैं, हमें वो काम नहीं करना। फटाक से वीडियो बताते हैं, दवाई बताते हैं, दवाई नोट कीजिए। यदि आपके स्किन में निखार नहीं आ रहा है, स्किन प्रॉपर अच्छी नहीं है, सबसे बढ़िया जो दवा है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम होम्योपैथी की वो जादुई दवा है जो आपके स्किन के टेक्सचर को एकदम बढ़िया कर देगी। कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक आपको इसको उपयोग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन। बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर चिंता है 10-10 फूल दिन में 3 बार आधा कप पानी में लेना है। दूसरा, पूजा का मदर टिंचर आपको लेना है, पूजा और 45 का मदर टिंचर 10-10 फूल दिन में 3 बार। ये दोनों मदर टिंचर आपको कंटिन्यू करना है। एक बात याद रखिए, यदि आपके चेहरे में किसी तरह के तीन मुहासे हो रहे हैं तो एक दवाई और नोट कीजिए, वो है कैलेंडुला मदर टिंचर 10-10 फूल आधा कप पानी में। ये रही तीन मदर टिंचर की लिस्ट। यदि आपको इन्फेक्शन भी हो रहे हैं और थोड़े पिंपल भी आए तो कैलेंडुला एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक आपके लिए है। तीसरी बात, कुछ दवाइयां और नोट कीजिए जिसकी वजह से आपको ये बेटर लगेगा। पहला, स्किन में अच्छा निखार लाना है और डाइजेशन आपका गड़बड़ होता है तो वो भी करेक्ट करेगा। लाइकोपोडियम 30 स्किन के टेक्सचर के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। लाइकोपोडियम 30 चाचर को दिन में 3 बार या 2 लोगों को दिन में 3 बार। और दूसरी ड्रग है थूजा 30 चाचर को दिन में 3 बार या 2 लोगों को दिन में 3 बार। तीसरी ड्रग, चूंकि हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत रखता है, स्पेशली महिलाओं में पल्सटिल 30 चाचर को दिन में 3 बार और सीपीआर चाचर को दिन में 3 बार। तो पोटेंशियल जो दवाइयां हैं वो लाइकोपोडियम 30, सीपीआर 30, पल्सटिल 30 और थूजा 30, ये चाचर को दिन में 3 बार या 2 लोगों को दिन में 3 बार डोज में लेना है। और मदर टिंचर मैंने आपको जैसे बताया, बर्बेरिस एक्विफोलियम, थूजा मदर टिंचर और कैलेंडुला मदर टिंचर कंटिन्यू करिए। कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ सकता है, लेकिन स्किन में बहुत अच्छा निखार आएगा। और यदि आपको वीकनेस भी रहती है, चेहरा उतना खिला खिला नहीं रहता, तो एक सिरप नोट करिए, सिरप होम्योपैथ। मैं हर बार बताता हूँ, एक डॉक्टर सुबह का कंसाम, सारा न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट जो है आपका न्यूट्रिशनल जो कमी आती है पोषक आहारों में, न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस होता है वो इसको पूरा करेगा। वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।